तो 15 साल के बाद फिर से वो घड़ी आई है कि दोबारा से कलश यात्रा शुरू हो रही है गाइस। तो सारा जोश देखो आप गांव वालों का। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, तो पूरी तैयारी शुरू होने लग गई है। यही घर है अपनी नागभूमि, जिसकी मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से, पुराने भी ब्लॉग्स में मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो 8 बजे तक एनी हाउस सबको मंदिर पहुँचना है, फिर उसके बाद वहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी। तो यहीं पर आज देवता नाचेंगे और आपको मम्मी और बड़ी मानी दिखाई दे रहे ब्लॉग्स में। तो जिस दिन हम आए थे उसके अगले दिन मम्मी लोग चले गए थे मामा लोगों के वहाँ, तो आज सुबह वो भी पहुँच जाएंगे कलश यात्रा से पहले पहले, 8 बजे से पहले पहले उनको ही पहुँचना है। और ये देखो ये भी उड़ गए, अंजलि की दोस्त भी आई हुई है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका होगी भैया तैयारी, ऑल सेट, पानी गर्म हो रहा है। जो नहाना चाहेगा वहाँ नहाने से पहले भी, तो उनके लिए पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे आग में, गर्मा गर्म पानी। ये देखो गाइस, इससे तो मैंने आपको मिलाया ही नहीं। एक नया मेहमान है हमारे, भैया लोग लेकर आए, अभी 1 महीने का है छोटा सा, मिलाएंगे इससे भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। चलो भाई अब चलते हैं नहाने। मैं नहाऊंगा गर्म पानी से। गाइस पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि सारा साबुन तक जम गया। अब सेकंड राउंड नहाना है हमको सरयू माँ में, निकलते हैं अब यहाँ से। हम तो हो गए नहा धोके एकदम रेडी, तेरा मम्मी भी आ गई है। कैसा रहा फिर मामा का वहाँ? बहुत बढ़िया। इतने टाइम के बाद अपने मायके गए थे? बहुत साल हो गए ना। ससुराल मायके मायके। और पंडित जी भी अभी यहाँ चाय की चुस्किया ले रहे हैं, देखो बिल्कुल रूपा फ्रेंड लाइन पहन के फिट है बॉस। पापा डायलॉग मार रहे थे सुबह सुबह पंडित जी। क्या कह रहे थे पंडित जी बताओ, पापा डायलॉग में क्या मार रहे थे आपको? क्या क्या फुला रखा है पेट। इस पहुंच गए यहाँ पे मंदिर में अभी, और थोड़ी देर में अब कलश यात्रा शुरू होगी, सब लोग आएंगे यहाँ पे एक एक करके। बाकी मंदिर पूरा सज चुका है अच्छी तरीके से। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था आपको मैंने दिखाया था पहले व्लॉग में, इतनी इतनी घास हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन आज देखो कितनी साफ सफाई और कितना मतलब चमका दिया पूरा मंदिर। हमारे पठान साहब भी पहुँच गए और गुड्डू भाई भी पहुँच चुके हैं हमारे। बस भाई आप आज की तैयारी हो रही, फिर गंगनाड़ जाना है आज, शुरुआत आज से हो ही गई समझो। हाँ, हाँ। और बहुत बार बता चुका अपने ब्लॉग्स में, आज फिर बता रहा हूँ, जो ओरिजिन पॉइंट है सरयू माँ का वो यहीं से ही, हमारे यहाँ से बिल्कुल। ताऊ जी और चाचा जी भी आ गए यहाँ पे बच्चों की वजह से, बस बस बिल्कुल। और अपने इष्ट देव की वजह से जो ये कार्यक्रम हो रहा है बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया हो रहा है, इसको बड़े अच्छे ढंग से निभाना। और गाइस चारों तरफ हमारा मंदिर जगमगा रहा है, गाना चला दिया, स्पीकर भी लग चुके हैं यहाँ पे। बाकी बस थोड़ी देर में कलश यात्रा शुरू होती है, कलश यात्री भी पहुंचने वाले हैं, और हमें यहाँ पे पहाड़ी टोपी मिल चुकी है सब लोगों को, तो कलश यात्री भी सारे सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। बस अब गंगा नहाने जाने वाले हैं हम लोग, और धामी जी को कर दिया एकदम रेडी। एक सेकंड रुको, और पापा ने गरम शर्ट के ऊपर ही पहन लिया है कुर्ता, कोई बात नहीं, नीचे करो उसको बटन तो लगाओ। तो यह है धामी जी का लुक। कलश वाली जितनी महिलाएं सब तैयार होकर रेडी होकर आ गई हैं, पूरी पहाड़ी पोशाक पहन रखी है सब लोगों ने। एट लास्ट सारा गांव तैयार था गंगा नहाने के लिए, और आपको जो ये बाजे जैसे बजाने वाले दिख रहे हैं, हमारे पहाड़ी में इसको भुगोर कहते हैं, और इसको बजाने का मतलब है कि हम अपने इष्ट देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरीके से इनविटेशन दे रहे हैं कि हम आज आपके मंदिर में आए हैं, हे इष्ट देव आप भी आइए। और कहा जाता है कि जो भुगोर की आवाज़ है उससे देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। Thank you.
तो गाइस अब यहाँ से शुरू होती है कलश यात्रा फाइनली। तो 15 साल के बाद फिर से वो घड़ी आई है कि दोबारा से कलश यात्रा शुरू हो रही है गाइस। तो सारा जोश देखो आप गांव वालों का। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, ताऊ जी। जय माता दी। जय माता दी। मामा जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और जितनी भी ये कलश में लेडीज जा रही है कलश लेके, वो सब नंगे पाँव हैं गाइस। नंगे पाँव पूरे यहाँ इस गांव से नीचे नदी तक जाएंगी। पूरा पाँव में कुछ भी छुपे कोई चिंता नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। और गाइस अब नेक्स्ट कथा है देवता नाचने की। तो वहां पर सब लोग रुके हुए हैं, देखो नीचे जहां भी सफाई चल रही थी घर की, तो सारे देवता भी यहीं पर नाचेंगे नीचे।
देवताओं के साक्षात दर्शन करने के बाद फिर से शुरू हुई हमारी कलश यात्रा। मंजिल भले ही बहुत दूर थी, लेकिन असली मजा तो सफर का था। और जोश बोले तो फुल पावर। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो गाइस ये है पहाड़ों का रास्ता, और जितनी भी आपको लेडीज दिख रही है सब नंगे पांव जा रही है नीचे को। देखो, ना कोई कांटे की परवाह, ना कोई पत्थरों की परवाह, ना कुछ। सबके अंदर जोश एंड जज्बा है। ये देखो रास्ता। शहर वालों को चलने के लिए चाहिए मोटर गाड़ी, और हम पहाड़ी हैं, हम अपने पैरों से ही नाप देते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ी। बस अब वो वक्त दूर नहीं था कि हम गंग स्नान करने वाले थे।